अनुपमा में लीप के बाद काजल होगी शो की लीड। इमोशन से भरी है अतीत की कहानी। अनुपमा शो में बीते लंबे वक्त से लीप आने की बात चल रही है। सीरियल के दो अहम किरदार शो छोड़ चुके हैं, पहले सुधांशु पांडे जो कि अनुपमा के पति वनराज के रोल में थे, उसके बाद मदालसा शर्मा जो अनुपमा की सौतन काव्या थी। इनके शो छोड़ने के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या इन दोनों के रिप्लेसमेंट आएंगे या कहानी नया मोड़ लेगी। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 15 साल के लीप के बाद लीड एक्ट्रेस एक नई लड़की होगी। शो में वैसे कई बार लीप आ चुका है, अब एक बार फिर से 15 साल का लीप आने की बात सामने आ रही है। शो की लीड रूपाली गांगुली यानी अनुपमा और गौरव खन्ना शो नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट की माने तो शो की नई लीड का नाम काजल होगा। मेकर्स किसी ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में है जो ये रोल निभा सके। लीप के बाद ये एक इंडिपेंडेंट, फन लविंग, हिम्मती और नाजुक लड़की का किरदार होगा। रिपोर्ट की माने तो लीप के बाद अनुपमा में काजल की कहानी दिखाई जाएगी। काजल बिंदास होगी, लेकिन अंदर कई इमोशन छिपे होंगे। मेकर्स काजल की ट्रेजिक बैक स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें उसने अपनी माँ की गलती से पिता को खो दिया। वो पिता की मौत के लिए माँ को जिम्मेदार मानती है। अपनी माँ से दूर होकर वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है। वो गरीबों की मदद करने का तरीका निकालती है और अमीरों को ठग कर गरीबों की मदद करने का भी। टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेलीटेल्स।